रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंजीत जी और उनकी बेटी क्यों आई है वो यहाँ पर? I can't stand them. मुझे गुस्सा आता है उनकी शक्ल देख के। जब सब खुश है तो तुम क्यों नहीं खुश हो सकते? रीवा इसलिए खुश है क्योंकि उसके भाई की एंगेजमेंट हो गई है। Our brothers engaged to be married. Hey, यार क्या चल रहा है? Hi, you are Dr. Palak, right? तुम ऋत्विक के साथ काम करती थी। इसीलिए रीवा अपनी शादी को लेके इतनी परेशान है अभी भी, बिकॉज़ उसने इसको यहाँ पे देख लिया। ये दोनों भाई बहन भी ना बिल्कुल एक जैसे हैं यार। कहाँ पे है, कहाँ पे? पता नहीं। रिकी, रीवा, कम हो? सिमन को लेके आती। मुझे तुम लोगों से बात करनी है, सीरियसली गाइस। गाइस, प्लीज तुम दोनों सॉल्व करना बंद करो और अपने प्रॉब्लम के लिए किसी और को क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम लोग? इट्स बीन 3 months, गाइस, गेट ओवर इट। इसमें इसकी क्या गलती है? ऋत्विक, शी वॉज योर फ्रेंड और अभी भी तेरी दोस्त है ना। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? लिसन गाइस, यू गाइस नीड टू पैच अप सीरियसली। ऋत्विक, इसकी मम्मी ने कितने अच्छे से अरेंजमेंट किया ब्रो और सत्यु के लिए। वी शुड बी थैंकफुल टू हर। यू नो व्हाट पलक, बचपन से ना इसका कोई दोस्त नहीं बनता था क्योंकि हमेशा से ऐसा है। इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने इसकी आदत है। ओए लिसन, सिर्फ मेरे लिए मान जाना। क्यों कर रहा है ऐसा? लिसन ना, मान जाना प्लीज फॉर मी। कम ऑन यार, प्लीज फॉर मी। ओके, ऑलराइट, पक्का? या कम ऑन, इट्स ओके, इट्स फाइन। श्योर? थैंक गॉड। पलक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, आप भी यहाँ पे? लिसन, कोई तमाशा मत करना यहाँ पे। कबीर, और आप? व्हाट्स अप? मुझे लगा तो नहीं पहुंच पाएगा। आई नो, लास्ट में इनवाइट था, पर डोंट वरी, तेरी शादी थी यार, और मैं बैंड बजाने ना पहुंचूं ऐसा तो हो नहीं सकता। देख, एक तो तू कॉलेज के बाद मिसिंग था, नो सोशल मीडिया, नो कॉल, कुछ भी नहीं। टच में रहना इतना मुश्किल नहीं है मेरे भाई। वही देखो ना, कोई यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं। और वो रोहित से बात कर रहा है। वो कबीर रोहित के कॉलेज का फ्रेंड है। What? हाँ, मुझे रोहित को बताना पड़ेगा कि कबीर मेरा एक्स हस्बैंड है। Before things get offered, I have to tell him. तूने बताया नहीं उसे? उसको पता है कि मेरी शादी हुई थी, पर वो ठीक है पुत्र। रोहित ने अपने मम्मी पापा को बता के रखा हुआ है, so don't worry, chill. आंटी, लेकिन चीजें पता होना और चीजें तुम्हारे सामने खड़े होना, दोनों में बहुत फर्क है। आंटी, मेरी मंगनी के दिन मेरा एक्स हस्बैंड रोहित के सामने खड़ा हो जाएगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आंटी ठीक है, ठंड रख पुत्र, ठंड रख। वो जा रहा है। पलक, मैं रोहित से बात करके आती हूँ। तू जा। रोहित, लिसन, वी नीड टू टॉक, इट्स वेरी अर्जेंट। बोलो ना। लिसन गाइस, लिसन, कम ऑन, नो लिसन, बाद में बात करते हैं। आई नीड टू टॉक टू यू। आई वांट टू रियली टॉक। ये सब ठीक नहीं हो रहा। किसे अभी यहाँ आना था? अरे हाँ तो ठीक है, हमने कौन सा किसी से कुछ छुपाया? बस मुझे एक ही फिक्र है, किसी के सामने कोई तमाशा ना कर दे। पर ऐसे मामलों में तो हमेशा तमाशा ही होता है। I'm really worried. सर, आपको पुरी साहब बुला रहे हैं।
कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ है, शायद गेस्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया, मैं आता हूँ। कोई गल नहीं बहन जी, ध्यान रखो कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा सब ठीक हो जाएगा। ऋत्विक कबीर, how you been? I'm good. कहाँ था इतने साल? Where were you lost? Life के झटके. I hope you're good too. Absolutely. Well, nice party. यार वो कौन है? वो? हाँ. वो जिसकी engagement पे आया हुई तो है. ये रोहित की होने वाली उसी के साथ नाच रही है ना? Obviously. That's the bride to be. रोहित मेरी एक्स वाइफ से शादी कर रहा है? Excuse me? What? Yes. रोहित, कुछ काम है मुझे। दूल्हा दुल्हन को कोई काम का टेंशन नहीं होता, तू मुझ पे ध्यान दो। Hello. यहाँ तो पूरी मंडली मौजूद है। तुम जानते हो उन्हें? हाँ। उस औरत को देख रहे हो? मंजीत जी, जैसे उन्होंने ये शादी ऑर्गेनाइज की है ना, ऐसे ही मेरी शादी सेतु के साथ फिक्स की थी। We got married, लेकिन एक साल में हमारा डिवोर्स हो गया था। सुमित, मुझे बात करनी है। पूरी जिंदगी सुनूंगा स्वीटहार्ट, लेकिन अभी डांस करते हैं। रोहित, क्या? तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा थी। हाँ। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मेरा हस्बैंड कौन था। Does Rohit know about this? No, I don't think so. मतलब अभी तो मुझे अच्छे से मिला। अगर ये जानता होता तो मुझे इनवाइट क्यों करता? ये है वो पेपर्स। बस ये समझ लीजिए कि हमारे बच्चों की वेडिंग गिफ्ट है। मिस्टर पुरी, सेतु की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो रही है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि लड़का सेतु की अपनी पसंद का है। लेकिन मिस्टर पुरी, मैं एक गांधीवादी विचारधारा वाला इंसान हूँ। एक नॉर्मल सी पे स्केल में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। मेरे लिए काम बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी की खुशियों और मेरे उसूलों की जंग में दोनों तरफ हार मेरी ही है। पूरी साहब, मैं एक लैंड डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, और ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है। इस पर मैं आपको कमर्शियल मॉल या होटल बनाने की इजाजत नहीं दे सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आई एम सॉरी पूरी साहब, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ वर्मा जी, आप जानते हैं हर माँ का एक ख्वाब होता है कि वो अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी करेगी बराबरी के घर में। लेकिन हम आपकी बेटी को अपने घर लाने के लिए तैयार हुए हैं, कोई तो वजह रही होगी। पर आप अगर इसे टालेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बहुत हेकड़ी है इस वर्मा में। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, लेकिन आई डोंट नो क्या सोच के आपने इस शादी के लिए हाँ की। शादी तोड़ दूँ ना, दो मिनट में निकल जाएगी इसकी हेकड़ी। तुझसे बात करनी है। क्या हुआ? तुझे सेतु के पास के बारे में बता था? हाँ, क्यों? कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ पता। किसके साथ? पता नहीं किसके साथ। कबीर, व्हाट रियली? ये अपना कबीर? अपना कबीर। और ये शादी अरेंज किसने करवाई थी? जिसने तेरी शादी अरेंज करवाई है, पलक की मॉम मंजीत जी, द वेडिंग प्लानर।
क्या बात कर रहे हैं यार, what a coincidence. सेतु अपने कबीर की वाइफ थी. तुमने कभी पूछा नहीं उसको? नहीं. मंजीत आंटी, कैसी हैं आप? Well, आप अभी तक शादियां करवाती फिर रही हैं? कैसी चल रही है आपकी ठगी? I mean, business. Stop it, कबीर. ये बकवास बंद कर. क्या आपने इन भोले भाले लोगों को बताया कैसे आपने मेरी फैमिली से एक मोटी रकम चार्ज की थी और उसे डबल दक्षिणा लड़की वालों से भी ली थी मुझे फंसाने के लिए? बस उन शब्द और ना बोली, आई समझ? एथिया किस तरह की गल्ला कर रहा है एथिया? और मैं चुप हूं तो जो मर्जी आई बोली जाएगा. उन मेरी सुन, और रिश्ता तो मैंने सही कराया था, तुसी लोगों ने दसिया ही नहीं कि तू इतना नलायक और शराबी कबाबी है. और तेरी वजह से मेरी कुड़ी की शादी एक साल इच टूट गई. तेरी नलायकी की वजह से मेरा नाम मंजीत शर्मा का नाम वन और ओनली टाइम खराब हुआ है. तू मेरी पहली और आखिरी गलती थी. मैंने तेरे को छड़ना नहीं. बस बस वो देख रहा पता क्या हो रहा है भाई. क्या 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 हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? अंकल मैं कभी रोहित का दोस्त हूँ. मुझे लगा मैं आपको बता दूँ कि आपकी होने वाली बहू वाज माय वाइफ इन द पास्ट. ये बात इन लोगों ने आपसे छिपाई होगी, आपको जरूर अंधेरे में रखा होगा. सेतु पहले से शादीशुदा है? See, I knew it. ये बात बतानी चाहिए. It's too much. ओए बंद कर म्यूजिक भैंचोद, बंद कर. ओए रोहित, मुंडा क्या कह रहा है ये? डैड क्या कह रहा है मुंडा? डैड एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. कबीर तू सही कह रहा था यार. गलती से तेरे पास इनविटेशन पहुंच गया. गलती मेरी है कि मैं नहीं जानता था कि तू वही वाला कबीर है जो सेतु का हस्बैंड है. ओए रोहित, तू इसे जाने के लिए क्यों कह रहा है? रुको उतर, तू यहीं रुक. तू सबसे पहले मुझे ये बता कि सेतु डिवोर्सी है, ये बात हमें क्यों नहीं मालूम है? सेतु, सेतु डिवोर्सी है? रोहित तुमने ये बात हमें बताई नहीं. एक मिनट जी, एक मिनट. हमने ना किसी से कुछ भी नहीं छुपाया, और इस तरह की बातें जो हैं वो रिश्ता जोड़ने से पहले बता दी जाती हैं. क्यों बहन जी? ओ बहन जी, मैंने पूरी कोशिश की थी. क्या कोशिश की? अगर आपने कोशिश की होती तो ये सब तमाशा जो हो रहा ना ये नहीं होता. आपको क्या लगा सच्चाई बताने से इतना बड़ा रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा? राइट? नहीं, आप क्या, ये आप क्या बोल रहे हो जी? हैं, रिश्ता लेके ना हम लोग नहीं आए थे आप लोगों के पास. ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं जी, इन्होंने तय किया, और हमारे लिए ना हमारी बेटी की खुशी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. ओ प्लीज प्लीज मॉम, मुझे सब पता था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओए तेरे फर्क पड़ने ना पड़ने से क्या होता है? तू बड़ा है घर का, इतनी बड़ी बात सबको मालूम होनी चाहिए. और आप वर्मा साहब, आप तो बड़े आदर्शवादी बनते हैं. इस मामले में आपको नहीं लगा कि सारी चीजों का खुलासा होने के बाद रिश्तेदारी होनी चाहिए? कहां गए थे आपके आदर्श और उसूल? इतनी बड़ी बात आपको खुद बताने के बजाय इस पैसा कमाने वाली वेडिंग प्लानर के ऊपर जिम्मे डाल दिया आपने. एक मिनट, आप मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते, प्लीज. पलक एक मिनट रुक तो. मेरे ख्याल से देखिए जी, शांत होने की जरूरत है, कोई गलतफहमी हुई है. किस गलतफहमी की बात कर रहे हैं आप? कोई गलतफहमी नहीं हुई है. सब समझ में आ गया हमें. आपने देखा कि हमारा मुंडा आपकी कुड़ी में इंटरेस्टेड है तो फंसा लो. अंकल प्लीज, आप मेरे पापा से अच्छे से बात कीजिए. अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि किससे कैसे बात करनी है? तुम सिखाओगी? मुझे ये बताओ, क्या मंजीत जी ने खुद तय कर लिया कितनी बड़ी बात सबसे छुपाई जाए? खुद तय कर लिया इन्होंने? तुम सब मिले हुए हो, आप दिखाई दे रहा है मुझे. ओए रोहित पुत्र, बात को समझने की कोशिश कर. सब मिले हुए हैं. मैं कह रहा हूँ जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों बात को घुमा रहे हो? रोहित समझा कर यार, तेरे पेरेंट्स है वो, दे हैड अ राइट टू नो. और आप, आपका काम था ना ये? दूसरी बार कर रही हैं आप ये, जिस भी शादी में जाती है ना तोड़ के आती हैं. एक्सक्यूज मी, तुम मेरी मॉम से अच्छे से बात करो. तुम्हारी मॉम से अच्छे से बात करो? हाँ. तो फिर क्यों नहीं बताया इन्होंने कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है? पैसे लिए ना इन्होंने ये काम करने के.
तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रोहित के पेरेंट्स को कैसे नहीं पता चली? यू गिव मी एन आंसर, नॉर्मल है ये सब। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अगर इन्हें पता चल जाता कि सेतु एक डिवोर्सी है तो शायद ये रिश्ता टूट जाता। कमीशन कैसे बनती फिर, वो भी इतनी भारी भरकम? अभी से अगर इतना कुछ छुपा रहे हैं तो और कितना कुछ है जो हमें नहीं मालूम है। रोहित को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ही इज द हस्बैंड, तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। इट इज माय बिजनेस रिकी। मॉम, इट इज माय बिजनेस, ये मेरे इन-लॉज हैं। तो ऋत्विक, अब ये भी जान लो कि इसने मुझे क्यों छोड़ा। पैसे की वजह से। पैसा? एक रुपया तक नहीं मांगा था मैंने तुमसे। मांगा नहीं था क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया था और अच्छी इनकम शुरू नहीं हुई थी, तो तुम्हें लगा मेरे साथ रहकर कुछ फायदा नहीं है। झूठ, अभी तक लॉयल्टी कॉपी है मेरे पास और उसमें वही लिखा होगा जो तुमने लिखवाया होगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते। अब डॉक्टर पालक, तुम आधी अधूरी बात सुन के ओपिनियन मत बनाओ। ये सेतु को मारता था शराब पी के। वी डोंट नो दैट ही वाज अ ड्रंकर्ड। ओके फाइन, सेतु की इसमें कोई गलती नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो फिर ये बात छुपाई क्यों? इस लेवल की शादियों में तो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों रोका इन्होंने? स्टॉप इट यार रिकी, दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। मुझे यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका ईगो, किसकी लड़ाई क्या, बट दिस इज अफेक्टिंग माय रिलेशनशिप। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है ना, तो मैं खुद तोड़ता हूं। आप लोगों से ये रिश्ता, सब अपनी रट लगाए बैठे हैं, कोई सब सुनने के लिए तैयार नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सीधा रोहित, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनसे रिश्ता ही नहीं रखना। रोहित, एक लड़की के लिए अपने बॉम्बर से रिश्ता तोड़ेगा तू? 10 दिन से नहीं जानता उस लड़की को तू, इसको छोड़ा उसने पैसों के लिए, तू पागल हो गया? किसी को कोई रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। रोहित, तुम्हें मेरे और अपने परिवार के बीच में चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये रिश्ता खुद तोड़ रही हूँ। तो सुनो तो सही मेरी बात। अंकल डोंट स्ट्रेस, पीछे ही छोटा है, पागल हो रखा है इस टाइम पे प्यार में, वो बाद में हमें ही थैंक यू बोलेगा। प्लीज वेट, ये प्लान था तुम्हारा? ऐसे बदला लिया ना तुमने? मेरी मॉम को सबके सामने जलील करना, सेतु के पेरेंट्स को इंसल्ट करना, सेतु पे उंगली उठाना, अपने दोस्त का दिल तोड़ा, फॉर व्हाट? बदला लेने के लिए ना? रोहित के पेरेंट्स का समझ आता है, उनकी थिंकिंग अलग है, पर तुम तो बड़े मॉडर्न बनते हो ना, मैन ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं तुम्हारी प्रॉब्लम। मेरी और मेरी मॉम से बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया, ले लिया ना बदला? जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना, जुबान से सिर्फ बददुआ निकलती है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा भी दिल टूटे जैसे तुम सबका तोड़ते हो। तुम्हें किसी के दिल टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना जितनू, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा दिल टूटेगा और ऐसा टूटेगा कि जुड़ भी नहीं पाएगा। आई कर्स यू ऋत्विक नून। सेतु प्लीज रुको, सेतु 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 मेरी बात तो सुनो, सेतु सेतु प्लीज, सेतु मेरी बात, सेतु सेतु प्लीज मेरी बात तो सुनो, सेतु सेतु। क्या कर दिया यार? रियली जो सही था ना वही किया मैंने रोहित,
ये जिसके लिए तू अपने मॉम एंड डैड को छोड़ के जाने वाला था ना, एक मिनट में निकल गई तेरे को यहाँ पे छोड़कर, समझा? यही डिफरेंस होता है, फैमिली हमेशा रहेगी, ये कुड़ियां आती जाती रहेंगी। बकवास बंद कर अब, तू कुछ भी नहीं जानता ऋत्विक, एंड यू नो व्हाट, जस्ट लीव मी अलोन। यू नो, जब कबीर ने मेरा दिल तोड़ा था ना, तो मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करूंगा। जब उसे छोड़ा था तो दुनिया के लिए मैं बुरी बन गई थी कि बुरे वक्त में मैंने कबीर को छोड़ दिया। यू नो ना पहले, वो सिर्फ ड्रंकर, नशे में मुझे मारता था, वो उसमें दूसरी लड़कियों के साथ चीट करता था। He was never mine. तो मैं क्या करती, उसके साथ रहती, लेकिन सारा ब्लेम मुझ पर आया। पता है क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास लड़कियां हैं और वो रिच है। ऐसा ही होता है पलक, जब दो अलग दुनियाएं मिलती है, दुनिया को सिर्फ पैसे का फर्क नजर आता है, अंदर जो हो रहा होता है वो किसी को नहीं दिखता। तो दुनिया की कब से परवाह करने लगी? हाँ, लीव हिम, लेट देम बी हैप्पी। अपने पैसों के दम पे जो जी रहे उन्हें खुश रहने देना। ये ऋत्विक, ये रोहित, हमें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। सेतु, ये सुबह के 5 बजे कौन आया? मैं देखती हूँ। कौन? रोहित। सेतु, तुम मेरी बात सुनो प्लीज। अपना दिल तोड़ लिया ताकि उसका परिवार ना टूटे, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया सेतु। आई होप मुझे मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा ना करना पड़े। मैं कभी किसी से इतना प्यार कर सकूंगी कि उसके अच्छे के लिए मैं उसको छोड़ दूं? आई डोंट थिंक सो।